महाकालेश्वर मंदिर में 11 अगस्त को सुबह राखी का पर्व मनाया जाएगा। इसके लिए पुजारी परिवार की महिलाओं ने राखी बनाकर तैयार की है। इसी दिन भगवान महाकाल को सुबह होने वाली भस्म आरती के दौरान 1.25 लाख लड्डुओं का महाभोग लगाया जाएगा। राखी का पर्व सबसे पहले महाकाल मंदिर में मनाया जाएगा। मान्यता है कि देश के हिंदू मान्यता के सभी त्योहार महाकाल मंदिर में सबसे पहले मनाए जाने की परंपरा है। इसी के चलते गुरुवार अल सुबह होने वाली भस्म आरती के दौरान पुजारी परिवार की ओर से महिलाएं भगवान महाकाल को राखी अर्पित करेंगी। इसके लिए करीब 4 दिन पहले से ही महेश पुजारी के परिवार की महिलाओं ने तैयारी शुरू कर दी थी। 4 दिन की मेहनत के बाद भगवान महाकाल की राखी बनकर तैयार है। भगवान महाकाल के लिए पुजारी परिवार की ममता शर्मा, वैभवी शर्मा व प्रीति शर्मा ने रत्न जड़ित मोरपंखी राखी तैयार की है। 4 फीट की राखी शैव व वैष्णव परंपरा अनुसार बनाई गई है। महाकाल मंदिर में 11 अगस्त को अलसुबह भस्म आरती के दौरान 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगेगा। इसके बाद सभी लड्डू श्रद्धालुओं में बांट दिए जाएंगे। लड्डू बनाने के लिए शुद्ध घी का उपयोग किया जाता है। महाकाल मंदिर परिसर में 4 दिन पहले से काम शुरू हो चुका है। इसके लिए 100 डिब्बे घी, 30 क्विंटल बेसन, 45 किलो शक्कर के साथ सूखा मेवा भी लगेगा। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पीछे स्थित बड़े गणेश मंदिर में रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। यहां पर भगवान गणेश की 10 फीट से अधिक ऊंची प्रतिमा के लिए देश भर से महिलाएं विशेष तौर पर राखी भेजती हैं। मंदिर में सुबह पूजन अभिषेक के बाद भगवान गणेश को राखी बांधी जाएगी। तो राखी का पर्व जो सांझ में मनता है वो भस्म आरती में मनाया जाता है। ये यहाँ की मंदिर की परंपरा है। इसमें 1.25 लाख लड्डू का महाभोग वगैरह है, साथ में जो राखी बांधते हैं भगवान महाकाल को सभी भक्त, पुजारी परिवार भी भगवान को भाई भी मानता है, हम उनको अन्नदाता भी मानते हैं, उनको गुरु भी मानते हैं। इस दृष्टि से हमारे घर की महिला अपने हाथों से राखी बनाती है।